हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जा रहे हम रलाकोट, और रलाकोट प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है, और वहाँ की वीडियो आपको दिखाएंगे, गांव का नज़ारा आपको दिखाएंगे, और एक चूड़ाकर्म है वहाँ जहाँ मुझे सम्मिलित होना है। तो दोस्तों, आपको दिखाया जाएगा वहाँ का नज़ारा। और जो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। आपको आज प्रताप नगर क्षेत्र का मैं आज आपको दर्शन दिखाऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। तैयारी चल रही है और आप चलते हैं रलाकोट की तरफ। इस जर्किन पे जो तेल लाया जाएगा बुलेट पे डालने के लिए, गेट खोला जाए। अब जो है तो यहाँ से निकला जाएगा कोटी कॉलोनी, और कोटी कॉलोनी से निकलेंगे प्रताप नगर के लिए डोबरा चांठी पुल से होते हुए और सीधा रलाकोट गांव पहुँचेंगे। बंदर का बच्चा मस्त हो रखा है, देखो THDC की कॉलोनी में। गए जी हम भागीरथीपुरम की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ से थोड़ा कुछ ले आएंगे। समय हम प्रगति गारमेंट के पास उनकी दुकान में जो शॉपिंग है, यहाँ पे एक गिफ्ट पैक कर रहे हैं भाई साहब, जो हमारा परमानेंट हुए हैं लाला जी। ये दुकान है इनकी, बहुत बड़ी दुकान। तो दोस्तों, कोई भी सामान चाहिए ब्रांडेड, यहाँ सब चीज़ मिल जाता है। और इनकी दुकान है भागीरथीपुरम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। दोस्तों, हम डोबरा चांठी पुल की तरफ, देखो कितना सुंदर नज़ारा, डोबरा चांठी पुल का नज़ारा देखो, बहुत लंबा पुल है। अब इसी के ऊपर से चलेंगे पल्ली पार प्रताप नगर क्षेत्र। ये रोड है दोस्तों, ये रोड जाती है आपका गंगोत्री यमुनोत्री के लिए, और कभी जब टाइम था कभी ज़माने में तो इस रोड से बहुत चहल पहल थी। अब यहाँ से लोगों का आना जाना कम हो गया, क्योंकि उत्तरकाशी और जाने के लिए जो तो चंबा से लोग जाते हैं। अब यहाँ से हम घूमेंगे इधर को, चांठी पुल रात को जगमगाता है जब इस पर लाइटिंग होती है, लाइटों से सजा जाता जब ये रात को जो तो बहुत जगमगाता है। और टिहरी डैम के ऊपर ये बना हुआ है, ये पुल बहुत ही लंबा पुल है, और प्रताप नगर और लंबगांव क्षेत्र को ये जोड़ता है।
क्षेत्र में, ये प्रताप नगर क्षेत्र है, प्रताप लमगांव 19 किलोमीटर और प्रताप नगर जो तो 30 किलोमीटर है। पहुंच गए हैं दोस्तों हम रौलाकोट, देखो यहाँ का नज़ारा। ये है रौलाकोट, रौलाकोट गांव में हम पहुंच गए हैं और इतना सुंदर गांव है। Thank you.
यह है दोस्तों गांव का कुल देवता नरसिंह देवता का मंदिर रलाकोट। बहुत ही सुंदर गांव, कितना घना गांव है, देखो पहाड़ों की गोद में कितना सुंदर सा गांव बसा हुआ है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रलाकोट के गांव के निकट में टीरी झील, और ये बीच में आप देख रहे होंगे ये होटल है, होटल है, और देखो बोट चल रही है। दोस्तों ये गांव जो तो पूरा जो तो विस्थापित हो चुका है, ये रलाकोट गांव है और इसका पुनर्वास भी हो गया है, और ये टीरी झील के किनारे पे है, और इस समय हम रलाकोट गांव में। अभी है ये है संजय पाल का मकान, संजय पाल के मकान, संजय पाल के यहाँ चलते हैं। और ये है संजय पाल। ये संजय पाल जी के पिताजी और पथरी ब्लॉक के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं। अच्छा पेमेंट नहीं हुआ आपका? हाँ इसीलिए आप यहाँ हो। अच्छा होगा होगा धीरे धीरे। संजय जी ने बहुत सुंदर मकान बनाया है गांव में, इन्होंने ये गढ़वाल को छोड़कर नहीं गए कहीं, और ये चाहते तो पथरी ब्लॉक में अपने प्लॉट में मकान बना सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने गढ़वाल में ही मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान। देखिए दोस्तों तुम गांव के रौनक ये देखा तुम, ये रलाकोट गांव छे, और गांव की खूबसूरती देखा तुम, कितना बढ़िया लगन छे। ए देखा तुम धुआं के लूंग लगाए हम जी, ये स्कूल है यहाँ पर, जो बेसिक स्कूल है वह है, और गांव में रोड जो तो गांव में ही आती है। तो ये है संजय पाल जी के पिताजी, और जो है तो यहाँ पे जो तो आपका नया मकान बना है? हाँ। अच्छा पुराना वाला? पुराना वाला वही है। अच्छा आप पुरानी सी जगह है? अच्छा अच्छा वो भी टूट गया, कहाँ उसका भुगतान हुआ ही नहीं। अच्छा अच्छा बस। अच्छा और पथरी ब्लॉक का जो प्लॉट है वो किस में दे रखा आपने? साल भर में देते हैं। अच्छा ठेके में दे रखा है? क्यों गूम लाते हैं वहाँ से? कभी कभी गेहूँ भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। अच्छा 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 देते। तो वहाँ मकान बनाने की नहीं सोची आपने? हाँ भाई आप जब घर का भुगतान होता तो मकान बना, तभी तो बनाना था। अच्छा जब भुगतान होगा यहाँ से तब जो तो तब जो तो आप वहाँ पथरी ब्लॉक जो तो मकान बना बनाते थे। अच्छा 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 घर का इन्होंने भुगतान किया नहीं। अच्छा अच्छा आपको पूर्ण विस्थापित तो कर दिया, लेकिन आपका मकान का भुगतान नहीं हुआ? ठीक कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप तो उन्होंने पिलर पुलर डाल दिए, अब हो जाएगा।
अब चल रहे दोस्तों हम यहाँ से वापिस, और वापिस जो तो भागीरथीपुरम। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर करें। यह है दोस्तों तिवाड़ गांव, और तिवाड़ गांव को आप देख रहे होंगे इस समय मेरे साथ में, तिवाड़ गांव, और सामने आप देख रहे होंगे कोटी कॉलोनी। इसमें हूँ मैं तिवाड़ गांव के ऊपर, और अभी आ रहा हूँ मैं रलाकोट से। कितना सुंदर गांव है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तिवाड़ गांव का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तिवाड़ गांव है चांटी डोबरा, डोबरा चांटी पुल को जब जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये गांव। बहुत ही सुंदर गांव है। ये झील आप देख रहे होंगे मेरे साथ, और ये सामने है कोटी कॉलोनी। यहाँ स्टे होम जो तो बहुत बने हुए हैं, और सैलानी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था लोगों ने कर रखी है। यह है दोस्तों कोटी कॉलोनी, और कोटी कॉलोनी जहाँ जो तो बोटिंग होती है। आप दिख रहे होंगे कितनी बड़ी झील है। आप सामने से रोड देख रहे होंगे, ये ऋषिकेश जाने वाली रोड है। ऋषिकेश, चंबा, मसूरी इसी रोड से जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोटी कॉलोनी के आगे रहते हैं कोड़ा बिनने वाले, जो कोड़े को बिनते हैं। आज देखो इनके पास गाड़ी, मोटर, सब चीज़ है भाई। और ये जो तो यहाँ झोपड़े में रहते हैं, ये लोग कहाँ से आए कोई पता नहीं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहाँ से आए। इनका आधार कार्ड सब चीज बना हुआ है यहाँ का। पहुंच गए हैं दोस्तों हम कोटी कॉलोनी। कॉलोनी में बोटिंग होती है, और वाटर स्पोर्ट भी यहीं होता है। जब भी जब प्रोग्राम होता है यहाँ होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है।
यहाँ पे है दोस्तों सोमरस की दुकान, यहाँ पे सोमरस मिलता है और इसी के बगल में जो तो होटल है ठहरने के लिए, होटल भी यहाँ पे। पहुंच गए दोस्तों हम खांडखाला। खांडखाला का दृश्य आप देख रहे हैं, रास्ता जाता है डैम टॉप के लिए और ये जाता है भागीरथीपुरम के लिए। यहाँ पे पकौड़ी मिलती बहुत अच्छी, बहुत लोग खरीदते हैं यहाँ पे पकौड़ी। गए दोस्तों हम टॉप टेरिस और यहाँ के ले कहते हैं डैम टॉप। यहाँ से डैम का नजारा यहाँ से दिखा जाता है, ऊपर से जो टिहरी बांध है उसका दृश्य यहाँ से दिखा जाता है। देखो जी ऊपर को जा रही है रोड न्यू टिहरी के लिए, जो रास्ता है ये न्यू टिहरी बोराड़ी का रास्ता है और बीपुरम की जो शॉपिंग है इसी रास्ते से जाया जा सकता है।